तुमसे ना हो पाएगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज आपके लिए बेहतरीन बाइकों का कलेक्शन लाए हम लोग। तो अभी R15M है, वर्जन 6 है, वर्जन 4 R15, और आपका जो जिक्सर है 250 cc है, R15M BS7 है, और बाकी देख ही सकते हैं RS200 है। एंड इसकी मैं BHP की बात करूँ तो 24.5 है, और ये जो जिक्सर 250 cc है इसका BHP 26.5 है, तो उससे 2 BHP ज़्यादा है RS200 से, ये जो जिक्सर 250 cc है। तो अभी देखते हैं, अपन लोग निकलते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा आगे निकलती है और टॉप एंड किसका क्या होता है। बाकी सारी क्लिप तो मिलेगी, सारी क्लिप में आप लोग देख लेंगे कि कौन सी बाइक कितनी जाती है। तो R15M जो कि BS6 है, और अभी न्यू मॉडल जो आया है BS7 आया है, R15M BS7 आया है। तो इसमें अपन लोग ड्रैग रेस करते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक निकलती है। बाकी आप लोग R15 वर्जन 4 के बारे में तो जानते हैं, ये मेरी धन्नो है, काफ़ी वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। और अभी M2M है, यानी कि 3 बाइकें जो है 150 cc है, 155 cc है, और 2 RS200 है, और एक जो बाइक अपने पास है जिक्सर, सुजुकी की जिक्सर 250 cc है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर इसका है 26.5 है, तो सबसे ज़्यादा cc भी, पावर भी, सब कुछ यही है। तो देखते हैं कौन सी बाइक निकलती है आगे, चलिए सीधा बाइक पे मिलते हैं। भाई एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा साइड से दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे से इधर धूप है ज़्यादा, तो इसलिए बहुत अच्छे से आ नहीं पा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई बाइक पे हम लोग बैठ चुके हैं, ये अपने पटेल भाई हैं और जितने भी भाई हैं, दानिश भाई, सब लोग अपना अपने बाइक पे बैठ रहे हैं। और अभी हम लोग जो है 3 हॉर्न लगेगा, 3 हॉर्न पे बाइक यहाँ से निकलेगी, तो देखते हैं कौन सी। और भाई ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें है कि क्विक शिफ्टर है, इसमें गियर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल जितना आप भगा सकते हो उतना भगा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं टॉप एंड क्या है, क्विक शिफ्टर है। बाकी सब 2 R1M है, 1 R15 है वर्जन 4, और जिक्सर 250 cc 200 cc, और 1 R1 और अपने पास जो बढ़ गई है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भाई, सबसे पीछे मैं चला गया भाई साहब, सबसे पीछे मैं चला गया। तो भाई R15M जो है वो दोनों पीछे रह गए, R15 वर्जन 4 आगे निकली थी, और अभी मैं जिक्सर चलाने वाला हूँ, और अपने दानिश भाई RS200 लेंगे, बाकी दोबारा से देखते हैं क्या होता है, और बैठते हैं अपनी अपनी बाइक पे। भाई
भाई ये बताओ, इसमें क्विक शिफ्टर है ना, तो गियर लगाना पड़ रहा था। अच्छा, बिना क्लच के? ओ हो, मैं क्लच लगा के कर रहा था, मैं अबे साले क्लच पकड़ के कर रहा था। भाई एक सेकंड रुक तो जाओ, इनको आगे तो भाई आगे। भाई हॉर्न नहीं लगेगा, ठीक है भाई, हॉर्न नहीं लगेगा, हॉर्न नहीं लगेगा भाई। दोबारा बैठते हैं भाई साहब, आगे मैं निकल रहा हूँ। अबकी सारी गाड़ियाँ पीछे भाई, अबकी मैंने तो फाड़ दी, सबकी फाड़ दी, मैंने फाड़ दी यार साहब भाई, खतरनाक। निकल गई ओ भाई, खतरनाक भाई, मजा आ गया। भाई पहली बार तो मैं सबसे पीछे चला गया था, जो कि मैं R15 BM चला रहा था, और अभी मैंने जब जिक्सर ली है तो भाई सबसे मेरा जो लॉन्च था, मैंने लॉन्च बहुत अच्छे से किया, तो इस चक्कर में मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मेरा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा और मेरी बाइक सबसे आगे निकली। लास्ट पे जा कर के RS 200 ने मुझे पीछे किया है, जो कि दानिश भाई चला रहे थे। बाकी और सब कुछ अच्छा रहा भाई, मज़ा आ गया। भाई क्या चल रही है, जिक्सर गाड़ी चल रही गाड़ी। तो भाई साहब मजा ही आ गया। RS 200 सबसे पहले लॉन्च टाइम में मेरी निकली है, जो कि जिक्सर 250 SF ये आगे निकल चुकी थी, और काफ़ी दूर जाने के बाद फिर दानिश भाई ने RS 200 से उसको पीछे कर दिया और बाकी फर्स्ट नंबर पे आई, सेकंड नंबर पे आई। और भाई क्या ही बताऊँ, R15 M भाई, दोनों R15, एक वहाँ एक यहाँ, दोनों R15 बिल्कुल मेरे मतलब जिक्सर 250 cc जो है SF इसके बिल्कुल पीछे थी और अगल बगल में चल रही थी, मतलब पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ी है, दोनों गाड़ियाँ लगी थी। और ये R15 V4 भाई तो पीछे रह गई, 3 जो है वो भी, वो सारी गाड़ियाँ पीछे रह गई थी, बट फर्स्ट पे सबसे फर्स्ट ये निकली है, फिर सेकंड पे ये, थर्ड पे दोनों R15 M निकली हैं, और फोर्थ पे तो ये निकली है। बाकी ये भी वही है जो RS 200 है, ये भी वही है, इसमें एग्जॉस्ट वगैरह सब लगा है। काफ़ी मज़ा आया, और सारी चीज़ें मैं तो आपको बता ही चुका हूँ गाड़ियों के बारे में, जो भी कलेक्शन था। तो भाई वीडियो कैसी लगी, आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और तब तक के लिए आपका भाई जो है
वीडियो को समाप्त करता है और मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। और बाकी बाइकें तो आपने देखी ली, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ सारी बाइकों को आप लोगों को। ये देखिए।